आज मैं आपको दशम वर्ग में शिशु लालनम को आगे बढ़ाते हुए यह बताने जा रहा हूं कि अब भगवान श्री राम ने दोनों भाइयों के शरीर की ओर देखा और शरीर की ओर देखने के बाद जो अनुभव किया उसी के बारे में आज आपको पढ़ना है। आज यही छोटा सा टॉपिक रहेगा। कल तक हमने यह अध्ययन कर लिया था कि भगवान राम ने लव और कुश से उनके वंश के बारे में पूछा था, क्योंकि त्रेता और द्वापर युगों में जो क्षत्रिय थे वे या तो सूर्यवंशी थे या फिर चंद्रवंशी थे। और जब भगवान राम ने पूछा कि आप सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी, तो लव ने कहा भगवन सहस्त्र दीधीति ही, अर्थात सहस्त्र किरणों को धारण करने वाले जो भगवान सूर्य हैं वही हमारे कुल के प्रणेता हैं। अब आगे राम कहते हैं कथम अस्मत् समानाभिजनौ, कथम जोर अस्मत् जो समान जोर अभिजनौ, आप दोनों में आखिर इतनी समानता क्यों है। और संवृत्तौ, अर्थात आपकी वृत्ति, आपकी प्रवृत्ति, आपकी टेंडेंसी भी सब कुछ एक समान है, आखिर इस समानता का कारण क्या है। विदूषक भी भगवान राम की बातों से सहमत है और वह कहता है किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम्, क्या आप दोनों एक ही हैं। शंका होती है कि दोनों बच्चे एक जैसे बोलते हैं, दोनों के शरीर का गठन एक जैसा है, दोनों का रंग रूप एक जैसा है, लव कहता है भ्रातरावावाम, भ्रातरौ जोर आवाम, लव कहते हैं कि हम दोनों भाई हैं, इसलिए सोदर्यौ का मतलब सहोदर, सोदर्यौ का मतलब सहोदर। लव ने कहा कि हम दोनों भाई सहोदर हैं, अर्थात हम दोनों सहोदर भाई हैं। फिर भगवान राम कहते हैं समरूप, आप दोनों का रूप एक जैसा है, शरीर सन्निवेश, शरीर भी एक जैसा है, वयसस्तु न किंचित अनंतरम, आप दोनों की उम्र में भी बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो इस प्रकार भगवान राम ने कहा कि आप दोनों का रूप एक जैसा है, शरीर का जो सन्निवेश है, शरीर का जो गठन है वह भी एक जैसा है, और वयसस्तु न किंचित अनंतरम, किंचित अंतरम मतलब लगता है कि आपकी उम्र में भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अब लव कहते हैं आवाम यमलव, हम दोनों यमल कहते हैं जुड़वा को, लव ने कहा कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं।
अब भगवान राम ने कहा संप्रति युज्यते, इस समय तो यही दिखाई पड़ रहा है, किम नाम धेयम, आप दोनों का नाम क्या है। लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम, आर्य की वंदना में लव इत्यात्मानम श्रावयामी, मैं आपकी वंदना में अपना नाम आपको लव सुना रहा हूं। और कुश की ओर कुशम निर्दिश्य, अर्थात कुश की ओर निर्दिष्ट करके फिर लव कहते हैं आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, और ये जो आर्य हैं हमारे भाई गुरुचरण की वंदना में। अब इसके बाद लव चुप हो जाते हैं, लव कुछ नहीं कहते हैं इसके बाद। अब कुश कहते हैं अहम अपि कुश इत्यात्मानम श्रावयामी, गुरुचरण की वंदना में मैं भी अपना नाम आपको कुश सुना रहा हूं। भगवान राम कहते हैं अहो उदात्त रम्य समुद आचार, कहा ओह आपका जो आचरण है वह उदात्त है, वह उत्तम कोटि का है, आपका जो आचरण है वह सुंदर है, वह रमणीक है। किम नाम धेयो भवतो गुरु, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। और इस पर लव ने उत्तर दिया कि भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। दैट्स ऑल।